नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और आज जिस तरीके से पिछले दिनों भोक्ता समाज को एसटी में शामिल किया गया था, जिसको लेकर के लगातार राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता विरोध कर रहे थे, और आज भी उन्होंने कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताया। आइए सुनते हैं सत्यानंद भोक्ता ने भोक्ता समाज को एसटी में शामिल किए जाने के बाद क्या कुछ कहा है। 1900 जो सीएनटी एक्ट है उस समय से शेड्यूल कास्ट है, ट्राइबल ने जाने का हम विरोध किए थे। 1912-13 का खतियान शेड्यूल कास्ट भोक्ता है। 309 शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गजट है शेड्यूल कास्ट भोक्ता है। कहा गया कि खैरवार का उपजाति पर्यावचित जाति भोक्ता है, जबकि हम लोग मूल जाति भोक्ता हैं, वहाँ खैरवार नहीं है। अब आचार संहिता लागू है, पंचायत का चुनाव है, हम लोग वार्ड सदस्य से लेकर के प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति चेयरमैन तक हम लोग बनते हैं, विधायक सिमरिया छतरा भी बनते हैं। अब 223,000 की संख्या है और छतरा में ही संख्या है, नहीं कि झारखंड में जहाँ तहाँ कम बेसी है। अब वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, परिषद प्रमुख को नहीं बन सकता है, बहुत बड़ा समाज के लिए क्षति है। अब आरक्षण की बात तो दूर है, हम लोग को जो आरक्षण था एसी का उसको अमेंड करके एसटी कर दिया गया। अब हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट भोक्ता नहीं बन रहा है। अब एसटी सर्टिफिकेट मांगते हैं तो बोलता है कि आपका खतियान में एसी है, जब एसी मांगते हैं तो बोलता है गवर्नमेंट हो गया। तो ना हम लोग इधर के हैं ना उधर के हैं, तो ये हम लोग शुरू में ही विरोध किया था कि लाभ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भोक्ता समाज को विलुप्त करने का बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। और वही अभी हुआ कि किसी, जितना हम लोग नॉमिनेशन पूरा जिला में हुआ सभी रिजेक्ट कर दिया गया, समाज अब वंचित रहेगा प्रतिनिधि से। और ट्राइबल स्टेट है, क्या विकास है, क्या रोजगार है, क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा भोक्ता समाज के, वो भी हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत सोची समझे एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता सब मिलकर भोक्ता सबको विलुप्त करने का पूरा प्रयास किया गया। तो आपने यहाँ पर सत्यानंद भोक्ता को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी जो है वो भोक्ता समाज को पूरी तरीके से विलुप्त करने के लिए ये सारे काम कर रही है। और अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है तो उसमें भी भोक्ता समाज को उस तरीके का दर्जा नहीं मिल पा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकेंगे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के लगातार भोक्ता समाज को एसटी में शामिल किए जाने को लेकर के विरोध सत्यानंद भोक्ता की तरफ से किया जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।